हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उस कारण को पता करो, कातिल अपने आप पकड़ा जाएगा। विल ग्रैम, किसी भी क्राइम को शानदार तरीके से एनालाइज करने वाला और सीरियल किलर्स का शिकारी। ताकत, तेज दिमाग और लाश को देखकर कल्पना करना। ये आदमी लाश देखकर कल्पना करता है कि क्राइम कैसे हुआ होगा। इसके साथ साथ विल FBI एकेडमी में क्राइम क्लासेस लेता है। एक दिन FBI स्पेशलिस्ट एजेंट जैक विल को बताता है कि पिछले 8 महीनों में 8 लड़कियां 8 अलग अलग कैंपस से अगवा की गई हैं। विल कहता है 7 लड़कियां। जैक उसे बताता है कि 8वीं लड़की को कुछ देर पहले ही अगवा किया गया है और सभी लड़कियां मानो गायब हो गई हों। सभी लड़कियों को फ्राइडे के दिन ही अगवा किया गया है। इसके बाद दोनों इस केस पर बातें करते हैं। जैक सभी की आंखों का रंग, बालों का रंग, कद काठ और उम्र एक समान है। विल, मुझे नहीं लगता कि वो ये चीजें सभी में देखता है, सिर्फ एक को छोड़कर। दरअसल जैक का मानना था कि कातिल एक समान उम्र कद काठ वाली लड़कियों को ही मारता है, जबकि विल को यकीन था कि कातिल सिर्फ एक ही लड़की को मारने के लिए इतने कत्ल कर रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन सही से ना हो पाए। जैक, तो क्या कातिल ने असली कत्ल कर दिया या सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता है? विल, वो असली कत्ल न पहले और न आखिर में करेगा। विल आगे कहता है वो उस लड़की को छुपाना चाहता है। विल का मानना था कि उस लड़की को ढूंढो, कारण पता करो, कातिल मिल जाएगा। जैक, इस केस में तुम मेरी मदद करो। विल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जैक और विल 8वीं अगवा हुई लड़की एलिस के घर जाते हैं। उस लड़की के पेरेंट्स बताते हैं कि एलिस कभी भी बिना बताए नहीं जाती थी, लेकिन तेज दिमाग विल घर में लगी एलिस की तस्वीरें देखकर पूछता है उसकी बिल्ली कैसी है। लड़की का पिता, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैक और विल एक तरफ होकर बात करते हैं। विल, वो उसे यहीं से लेकर गया है। जैक फोन कर अपनी टीम को एलिस के घर बुलाता है। विल एलिस का कमरा देखना चाहता था, लेकिन जब वो एलिस का कमरा खोलता है तो अंदर एलिस की लाश पड़ी थी। विल एलिस की लाश देखकर कल्पना करने की कोशिश करता है, जब कह लीजिए वो खुद को कातिल की जगह रखकर सोचता है कि कत्ल कैसे हुआ। लेकिन फोरेंसिक स्पेशलिस्ट केट वहां आ जाती है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। इसके बाद विल जैक को बताता है कि कातिल एलिस को इसलिए यहां वापस छोड़ गया क्योंकि वो माफी मांगना चाहता है। पूरी FBI टीम उसकी बात सुनकर हैरान थी। अगले दिन जैक और विल FBI एकेडमी में। जैक, तुम मुझे सब बताओ कि कातिल किस तरह की माफी मांगनी चाहता है। विल, उसे बुरा लगा कि वो एलिस को सम्मान न दे सका। जैक, ये किस तरह का सम्मान है जो वो देना चाहता है? विल, यही सच है। इसके बाद विल बताता है कि कातिल एलिस को बताना चाहता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बता नहीं पाया, इसीलिए उसने एलिस को वापस घर छोड़ दिया। जैक, लेकिन एलिस किसी से प्यार नहीं करती थी। विल जवाब देता है कि कातिल सभी लड़कियों का सम्मान करता था, इसीलिए उसने सभी को जल्दी जल्दी मार दिया ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो। दरअसल विल का मतलब था कि कातिल इतना दरिंदा है कि अगर वो किसी पर तरस खाता है तो उसे जल्दी मार देता है। तो जरा सोचिए, ये कातिल उनका क्या करता होगा जिनसे वो नफरत करता होगा। इधर केट को पोस्टमार्टम के समय एलिस के कपड़ों से एक मेटल का टुकड़ा मिलता है। मेटल और एलिस के जख्म देखकर विल समझ जाता है कि कातिल ने उसे सींगों पर जिंदा टांगा था। तभी एक और स्पेशलिस्ट कहता है, पहले इसका लिवर निकाला, फिर वापस डाल दिया। विल, जरूर मीट में कोई दिक्कत होगी। एक और स्पेशलिस्ट कहता है, एलिस को लिवर कैंसर था। विल अंदर से डर कर कहता है, यानी वो ह्यूमन ऑर्गन खाता है। कुछ दिन बाद एक और जगह एक और लड़की की लाश मिलती है। जैक और विल भी वहीं थे। लाश को चेक करने के बाद फोरेंसिक स्पेशलिस्ट वरेन कहता है, उसने इसके फेफड़े निकाल लिए और उस समय जो लड़की जिंदा थी। विल, वो औरतों को खत्म नहीं बल्कि उन्हें कंज्यूम करता है। जैक, वो ये सब कहाँ करता होगा? विल, वो ये काम किसी घर या किसी कैबिन में करता होगा। विल आगे सोचकर कहता है, उसकी एक बेटी है, दूसरी लड़कियों की उम्र और कद काठ की, वो इकलौती होगी, उसने घर छोड़ दिया होगा, वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। डॉक्टर लेक्टर एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट, इंसान और इंसानों के दिमाग को अच्छी तरह से समझने वाला,
एक दिन जैक उसके पास जाकर सीरियल किलर को पकड़ने में मदद मांगता है और लेक्टर मान भी जाता है। दरअसल जैक लेक्टर के जरिए सीरियल किलर की सोच को समझना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद जैक लेक्टर और विल को अपने ऑफिस में एक दूसरे से मिलवाता है और लेक्टर को 8 लड़कियों के कत्ल के बारे में बताता है। अगले दिन विल और लेक्टर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। लेक्टर, हम यहाँ क्यों आए हैं? विल, हमें एलिस के कपड़ों पर मेटल का टुकड़ा मिला था। लेक्टर, लेकिन शहर में तो बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। विल, हाँ, और हम सभी साइट्स को चेक करेंगे। इसके बाद दोनों साइट के ऑफिस में पेपर्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें कोई काम की चीज मिल जाए जिससे वो सीरियल किलर तक पहुंच सके। विल वहां मौजूद लड़की से गैरेट नाम के आदमी के बारे में पूछता है जिसकी फाइल उसके हाथ लगी थी। लड़की बताती है कि गैरेट पाइप काटने का काम करता है। विल, क्या उसकी कोई बेटी है? लड़की, शायद है। विल, उसकी उम्र, रंग, कद काठ कैसा है? लड़की, मुझे नहीं पता। लेक्टर पूछता है, तुम्हें गैरेट पर शक क्यों हो रहा है? विल कहता है, उसने फाइल्स में सिर्फ फोन नंबर बताया है, घर का पता नहीं लिखा। लेक्टर, क्या यही शक की वजह है? विल, नहीं, वो कभी कभी काम पर भी नहीं आता। इसके बाद विल फाइल्स को अपनी गाड़ी में रख रहा था लेकिन लेक्टर जानबूझकर फाइल्स को नीचे फेंक देता है। विल फाइल्स इकट्ठी करने लगता है जबकि लेक्टर गैरेट के घर फोन करके उसे कहता है, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी तरफ गैरेट कहता है, बोलो। लेक्टर, उन्हें पता चल गया। ये सुनकर गैरेट डर जाता है और लेक्टर का फोन काट देता है। विल गैरेट का घर ढूंढ कर लेक्टर के साथ वहां जाता है लेकिन गैरेट अपनी बीवी का गला काट कर उसे बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर लेता है। विल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाता है जहां गैरेट ने अपनी बेटी को बंदी बना रखा था। गैरेट विल को देखकर अपनी बेटी का गला काट उसे भी फेंक देता है। वो फिर अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है लेकिन विल उसे शूट कर देता है। गैरेट की बेटी जो अभी जिंदा थी उसे जल्दी हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ लेक्टर और विल उसके पास बैठे थे। विल तो पक्का उसके ठीक होने और होश में आने की आशा कर रहा था जबकि डॉक्टर हैनिबल लेक्टर का क्या पता वो किस चीज की आशा कर रहा था क्योंकि डॉक्टर लेक्टर ही कैनिवल सीरियल किलर था। वही था जो ह्यूमन ऑर्गन पकाकर खाता था। वही तो है इस कहानी का खलनायक जो जिसे प्यार करता है उसे कम तड़फा कर मारता है। दोस्तों, डॉक्टर लेक्टर के बारे में हम नहीं आपको विल बताएगा और उसके रहस्य धीरे धीरे खोलेगा। कल फिर विल डॉक्टर लेक्टर का कोई राज खोलेगा जिसे जानकर आप अंदर से हिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।